हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का मैथ्स चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फ्लोइंग, मतलब नीचे जितने भी फंक्शन है वो उनका क्या निकलना होगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकलना होगा। तो इससे पहले मैंने दो वीडियो अपलोड किया, वो आपको पूरा का पूरा देखना होगा। टॉपिक कैसे आपको रेंज एंड डोमेन याद करना होगा वो आपको चेक करना होगा। तो अभी पहला क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 1/2 इनका क्या करना होगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकलना होगा। तो ये आप कैसे निकालोगे, अब ऐसे पकड़ लो कि सपोज आपको पता है कि जो साइन इनवर्स है उनका प्रिंसिपल वैल्यू सपोज एक्स है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपको जिम क्या तो क्या होगा, एक्स इक्वल क्या होगा, साइन इनवर्स हाफ ऑफ ए हो जाएगा। तो रीच इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं, देखो ए एफ ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ए एफ को इस साइड लेने से क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, माइनस हाफ हो जाएगा। अभी हाफ को बात ए माइनस जो है ना ए बात छोड़ो, यहाँ पे साइन का कितने वैल्यू पे हाफ मिलता है माइनस छोड़ो, तो क्या होगा साइन कितने डिग्री पे आपको हाफ मिलता है, ये भी क्या होगा, माइनस साइन 30 डिग्री पे आपको क्या होता है, हाफ होता है। तो अब ये अभी लिखो, तो डी सिंपल से आप क्या लिखोगे, देखो ये आपको रिजल्ट क्या पे है, माइनस पे है। अब ऐसे भी आपको पता है क्या होगा, साइन एक्स इक्वल टू, देखो अगर ऐसे होगा कि साइन माइनस थीटा, तो डी इक्वल क्या होगा, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पार्ट आपको साइन माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये पे माइनस थीटा होने से क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। तो इस साइड से आप इस साइड भी लिख सकते हैं, तो ये क्लियर हो गया। तो अभी क्या होगा, साइन साइन दोनों है, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा, पाई बाय 6। अभी आपको आपको पता है कि साइन का जो रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज है, वो आपको चेक करना होगा। तो वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज माइनस पाई बाई टू एंड प्लस पाई बाई टू, ये होगा। अभी ये चेक करना होगा कि आपको चेक करना होगा कि ये वाला पार्ट ये पे जो क्या होगा माइनस पाई बाई सिक्स यहाँ पे है कि नहीं, अगर इस अंदर पे है तो क्या होगा, यही आपको प्रिंसिपल फेल होगा, अगर नहीं हुआ तो प्रिंसिपल फेल नहीं होगा, तो तब आपको कुछ मॉडिफाई करना होगा। तो अभी चेक करो, देखो यहाँ पे क्या है, माइनस पाई बाई सिक्स, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपको इस अंदर पे होता है, इस अंदर पे होता है, क्योंकि आपको चेक कीजिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस ये रपट क्या है पॉजिटिव, तो इससे छोटा ही होगा, मतलब इससे ये इस साइड पे होगा। अभी ये चेक करना होगा कि माइनस पाई बाई सिक्स एंड प्लस पाई बाई टू इस दोनों से कौन छोटा है कौन बड़ा है। अभी देखो अभी क्या होगा, दोनों का सेम कीजिए तो ये क्या होगा पाई बाई सिक्स एंड ये पे क्या होगा सिक्स एंड टू, तब यह क्या होगा माइनस, तो ये पे भी माइनस ये पे भी माइनस। तो देखो ए माइनस पाई है एंड ए क्या है माइनस 3 पाई है, तो ए ज्यादा छोटा है ए बराबर, मतलब इस वैल्यू क्या होगा ए पे ही रह जाएगा। तो देयरफॉर क्या होगा, यही होगा द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इच क्या होगा माइनस पाई बाई सिक्स। अब ए पे भी ऐसे भी लिख देखिए, द प्रिंसिपल प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ही है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, कोस इनवर्स √3/2, देखो यहाँ पे कह दिया लेट सपोज वाई इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2, ए आपको दिया है, तो डी सिंपल से ऐसे क्या होगा, कोस वाई इक्वल टू क्या होगा √3/2। अभी एक बात ये देखो यहाँ पे कोस का कितना पे, मतलब कोस का कितना डिग्री पे ये आपको √3/2 होता है, तो ये क्या होगा कोस वाई पे है, तो ये पे क्या होगा कोस को पाई बाय सिक्स पे, मतलब दो साइड कोस कोस है, तो कोस कोस कैंसिल होने से क्या होगा
वाई इक्वल टू 5/6, तो मतलब क्या होगा, अभी रेंज सीख करना होगा कि वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल फेलू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इच क्या है 0 एंड 5। देखो अभी एक एक बात चेक करना होगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, देखो एक बात क्या होगा, जो यहाँ पे 5/6 हुआ, 5/ क्या हुआ 6, ये इसका अंदर ही होता है, इसका अंदर ही होता है, क्योंकि देखो ये वाला पार्ट की 0 से ज्यादा होता है, मतलब इससे ज्यादा होगा, एंड 1 से मतलब पाई से छोटा होगा, तो ये क्या होगा पाई मतलब 180 डिग्री, अगर डिग्री से देखो, एंड ये 5/6 मतलब 30 डिग्री, तो इसका अंदर ही होगा, तो ये क्या होगा प्रिंसिपल फेलो हो जाएगा। तो डियर फोर लास्ट क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल फेलू ऑफ कोस इनवर्स √3/2 इज 5/6, यही है क्वेश्चन नंबर 3 पे कह दिया, कोसेक इनवर्स 2 का प्रिंसिपल फेलू निकलना होगा, तो यही आपको कैसे करना होगा, पहले जैसे करोगे आपको एज्यूम करना कि लेट y इक्वल टू सपोज कोसेक इनवर्स 2 है, तो डी सिंप्लाइज ऐसे क्या होगा कोसेक y इक्वल टू क्या होगा 2, अभी देखो कोसेक कितना कितना डिग्री पे 2 होता है, तो ये बात आपको ध्यान से करना होगा, कोसेक y इक्वल टू क्या होगा कोसेक 5/6 पे मतलब 30 डिग्री पे क्या होता है 2 होता है, तो ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दिया है, कोसेक इनवर्स 2 इनका क्या करना होगा प्रिंसिपल फेल्यू निकालना होगा, तो ये आप कैसे करोगे, ये भी आपको लेट लिखना होगा कि लेट सपोज एक्स इक्वल टू सपोज कोसेक इनवर्स 2, अभी देखो इस कोसेक से इस साइड आने से क्या हो जाएगा कोसेक एक्स इक्वल टू क्या होगा 2 हो जाएगा। एक बात ऐसे ध्यान से चेक करना, क्या देखना होगा देखो कोसेक कितने डिग्री पे 2 मिलता है, कोसेक 30 डिग्री पे क्या होता है 2 होता है, तो ठीक है अभी देखो एक्स का फेलू क्या होगा 5/6 हुआ, अभी क्या करना होगा द रेंज ऑफ प्रिंसिपल फेलू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स, देखो ये क्या था 5/2 से माइनस 5/2 से ए से आपको क्या करना होगा ये आपको 0 करना होगा, मतलब क्या होगा -π/2 से +π/2 तक मतलब -90 डिग्री से +90 डिग्री तक सब हो जाएगा, सिर्फ क्या नहीं होगा 0 डिग्री नहीं होगा, ये होगा क्या उनका कोसेक इनवर्स का रेंज होगा, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज हो जाएगा, अभी चेक करना होगा देखो ये तो 0 नहीं है मतलब इस साइड पे होने का चांस भी है, अभी और एक बात देखना होगा जो यहाँ पे 5/6 है ये पार्ट इसका अंतर है कि नहीं, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है ए नेगेटिव है, तो मतलब इससे ज्यादा होगा मतलब क्या होगा आपको 5/-6 इससे क्या होगा बराबर हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ पे क्या होगा 2, अभी ये चेक करना होगा कि इससे छोटा है कि बड़ा है, ये देखो तो यहाँ पे कितना है देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे देखो क्या है 5/2 एंड यहाँ पे क्या है 5/6, ये देखो तो दोनों एक ही कर लो, तो यहाँ पे 6 करने से क्या होगा 3 हो जाएगा एंड यहाँ पे 5/6 तो 6 है, तो देखो ये वाला पार्ट बड़ा है ये छोटा है मतलब क्या होगा इससे छोटा होगा मतलब इससे अंदर ही होगा, एंड क्या होगा एंड क्या होगा 5/6 बिलोंग्स क्या होगा -π/2 एंड क्या होगा 5/2 एंड ए क्या होगा -0 इससे अंदर ही है, तो डियर फोर द प्रिंसिपल फेलू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज 5/6 यही है। क्वेश्चन नंबर 4 टेन इनवर्स -√3 इनका क्या करना होगा प्रिंसिपल फेल्यू निकालना होगा, तो ये भी आपको पहले जैसे लिखना होगा को क्या करना होगा लेट एक्स इक्वल टू सपोज टेन इनवर्स -√3, तो डी सिंपल देखो जैसे क्या होगा टेन एक्स इक्वल टू क्या होगा -√3,
थ्री होगा। अभी चेक करना होगा, माइनस टू माइनस रहते हो तो फिर क्या करना होगा, देखो माइनस है। अभी देखो टेन कितना डिग्री पे आपको रूट थ्री होता है, तो वही आपको चेक करना होगा कितना डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे। तो ये आप क्या करना होगा, टेन पाई बाय थ्री लिखना होगा, मतलब 60 डिग्री पे क्या होता है, रूट थ्री होता है। तो ए माइनस मैंने रख दिया, तो डी सी प्लस अभी क्या करना होगा, देखो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते टेन माइनस पाई बाय थ्री लिख सकते, क्योंकि देखो क्योंकि सिंस टेन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस टेन थीटा। अभी एक काम करना होगा, द प्रिंसिपल द रेंज ऑफ प्रिंसिपल फेलू ब्रांच ऑफ टेन इनवर्स क्या होता है, आपको माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू तक होता है। अभी आपको ये चेक करना होगा कि जो यहाँ पे फेलू है, मैंने ये शॉर्ट भी कर दिया, ये जो क्या है माइनस पाई बाय थ्री, माइनस पाई बाय थ्री ये इसका अंदर है कि नहीं वो वेरीफाई करना होगा। इस पार्ट से इधर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये नेगेटिव पार्ट है, ये वाला नेगेटिव पार्ट है एंड ये वाला पॉजिटिव पार्ट है। तो अभी चेक करना होगा, ए भी नेगेटिव ए भी नेगेटिव, इससे ग्रेटर देन होना चाहिए। तो चेक कीजिए यहाँ पे क्या है, माइनस पाई बाई थ्री एंड यहाँ पे क्या है माइनस पाई बाई टू, दोनों सेम कीजिए तो यहाँ पे सिक्स, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा सिक्स करने से क्या होगा माइनस थ्री हो जाएगा। देखो अब क्या होगा, ए वाला पार्ट छोटा है, ए वाला पार्ट बड़ा है, मतलब क्या होगा, देखो ए वाला पार्ट क्या होगा छोटा होगा एफ पे, तो ए आपको इसका अंदर ही हो जाएगा। डायरेक्ट लिखने से ऐसा होगा कि माइनस पाई बाई टू देन पाई बाई थ्री एंड ए क्या हो जाएगा पाई बाई टू हो जाएगा, तो इसके अंदर ही है। तो ए ही होगा उनका क्या होगा, दो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स, मतलब क्या होगा ए तक होगा। तो इस टाइप से लिखने से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू, इनका क्या करना होगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकलना होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी अभी तक मैच किया उससे ज्यादा ये वाला मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो पहले क्या करना होगा आपको, लेट लिखना होगा, सपोज लेट एक्स इक्वल टू सपोज कॉस इनवर्स माइनस हाफ, तो डी सिंपल से ऐसे क्या होगा, कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस हाफ, ए माइनस के बारे में छोड़ दो। तो अभी क्या होगा, कॉस एक्स इक्वल टू ए माइनस माइनस रख दो। अभी देखो कॉस कितना डिग्री पे हाफ होता है, तो क्या होता है कॉस 60 डिग्री पे कितना होता है, हाफ होता है। अभी एक बार देखो यहाँ पे क्या होगा, कॉस माइनस थीटा मतलब क्या होता है, कॉस डायरेक्ट थीटा होता है, तो माइनस आने का चांस नहीं है। और एक फॉर्मूला है, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है, जहाँ पे कोस थीटा मतलब क्या होता है, एक इकट एंगल होता है। तो देखो अभी क्या करना है, मेरे पास ए वाला पार्ट है, तो अब इस पार्ट से इस पार्ट भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे अगर ऐसे हुआ कि पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो तब यहाँ पे क्या होगा माइनस कोस पाई बाई थ्री हो जाएगा। तो ए पार्ट मेरे पास है, तो इससे अब ए पार्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ए मैंने इसलिए लिखूंगा क्योंकि कॉस का जो रेंज है वो क्या है, 0 से π तक, मतलब वहां पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, मतलब कुछ मॉडिफाई करना होगा। तो दी चिकुल क्या होगा, देखो चेक कीजिए, कॉस इक्वल टू देखो कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री ये वाला पार्ट होगा, तो डी सिंपली क्या होगा वो भी चेक कीजिए, तो क्या होगा, तो ये वाला पार्ट क्या होगा माइनस करने से क्या होगा, टू एच पाई बाई थ्री हो जाएगा। वी नो डेट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 एंड π एंड ए पे क्या दिया, टू क्या टूच पाई बाई थ्री, ये क्या होता है इसके अंदर ही होता है, तो ये क्या होगा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, मुझे तो वही चाहिए। देयरफोर द प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स माइनस हाफ इक्वल टू क्या होता है, टू एच पाई बाय थ्री, यही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, टेन इनवर्स माइनस हाफ, ये पार्ट आपको करना होगा, मतलब क्या करना होगा प्रिंसिपल वैल्यू निकलना होगा।
अभी देखो, जब भी आपको प्रिंसिपल फेलू करना होगा तो आपको रेंज तो आपको पता ही होना चाहिए। तो जो 10 का रेंज होता है, तो वो क्या होता है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक, मतलब -90 डिग्री से +90 डिग्री तक उनका क्या होता है, रेंज होता है। कोई भी फेलू इसके अंदर हो तो वो प्रिंसिपल फेलू हो जाएगा। लेट आपको करना होगा, लेट एक्स इक्वल टू सपोज 10 इनवर्स -1, तो डी सिंप्लस 10x इक्वल टू क्या होगा, -1 हो जाएगा। माइनस माइनस के बाद में छोड़ दो, तो ये अभी यहाँ पे क्या होगा, 10x इक्वल टू क्या होगा, माइनस यहाँ पे रख दिया 1। 10 का 1 होता है जब 10 का वैल्यू पाई बाय 4 होता है, मतलब 45 डिग्री होता है। अभी देखो, डी चिम प्लस 10x इक्वल टू क्या होगा, 10 -π/4 हो जाएगा। क्योंकि देखो 10 -θ इक्वल टू क्या होता है, -10θ होता है। अभी नेक्स्ट आपको क्या लिखना होगा, सेम आप पहले भी जितने भी मैच किया उस तरह क्या लिखना होगा, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल फेलू ब्रांच ऑफ 10 इनवर्स ईच, क्या लिखना होगा, -π/2 एंड +π/2। एंड यहाँ पे क्या लिखना होगा, जो मैंने मिला मुझे क्या मिला, -π/4, ये आपको क्या होता है, -π/2 से +π/2 इसका अंदर ही होता है, क्योंकि देखो इस वैल्यू से बड़ा होता है एंड इस वैल्यू से छोटा होता है। तो डियर फोर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ये वाला पार्ट को क्या होगा, -π/4, ए होगा इनका आंसर। अच्छी तरह से करना। क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/3, इनका क्या करना होगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होगा। तो पहले जितने भी मैच किया उस तरह करना है, तो ये क्या लिखना होगा, लेट एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3, ये आपको लिखना होगा। तो डी सिंपल से ऐसे क्या होगा, सेक एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2/√3। अभी एक बात याद रखना होगा, क्या सेक कफ 2/√3 होता है, सेक कौन सा एंगल पे 2/√3 होता है, तो क्या लिखोगे, सेक पाई बाय 6, मतलब 30 डिग्री होता है, तो तब उनका वैल्यू क्या होता है, 2/√3 होता है। अभी एक और एक बात यहाँ पे ध्यान से चेक करना होगा कि द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स ईच, देखो क्या होता है, ये -0 से पाई तक, बट ऐसे क्या करना होगा, पाई बाय 2 करना होगा, मतलब 0 से पाई तक होगा, मतलब क्या होगा, 0 से 180 डिग्री तक होगा। लेकिन एक बात से चेक करना होगा कि यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री माइनस कर दिया है पे, ये उनका रेंज है। अभी चेक करना होगा कि जो मेरा यहाँ पे मिला क्या मिला, एंड जो पाई बाय 6 मिला, ये इसका अंदर ही है कि नहीं, वो चेक करना का ऑलरेडी है, तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल फेलियर हो जाएगा। देयरफॉर द प्रिंसिपल प्रिंसिपल फेलियर ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज पाई बाय 6, मतलब 30 डिग्री, यही है। क्योंकि देखो ये जो मेरे पार्ट पे आप इस पार्ट का 0 से ज्यादा होता है ए, और हो एंड पाई से छोटा हुआ वो भी ठीक ही है, मतलब ए पे है। और एक चेक करना कि पाई 90 डिग्री होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि ये तो 30 डिग्री, तो मतलब 90 डिग्री माइनस ये भी नहीं होगा, तो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, कोट इनवर्स 2/3। तो ये मैच करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक बात से करना होगा कि कोट कितना डिग्री पे √3 होता है, और एक बात देखना होगा कि जो कोट है उनका रेंज क्या है। तो कोट का रेंज क्या है, 0 से पाई तक उनका रेंज होता है, एंड कोट 30 डिग्री पे क्या होता है, उनका वैल्यू √3 होता है। क्योंकि देखो तो कोट एक्स मतलब क्या होता है, साई कॉस एक्स बाय साइन एक्स, ठीक है। तो कोट 30 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, 30 डिग्री मतलब क्या होगा, कोस
30 डिग्री, कोस 30 डिग्री मतलब √3/2, एंड साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, ए वाला पार्ट ए वाला कट कैंसिल, तो क्या होगा √3, मतलब क्या होगा √3 कब मिलेगी, जब कोट का वैल्यू 30 डिग्री होता है। तो ए वाला पार्ट देखो, लेट एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स √3, तो डीच इंप्लाइज क्या हो जाएगा कोस कोट एक्स इक्वल क्या हो जाएगा -√3, एंड डीच इक्वल एफ क्या लिख सकते हैं कोट पाई बाय सी लिख सकते, सॉरी सिक्स लिख सकते हैं, पाई बाय सिक्स लिख सकते, तो डीच इक्वल क्या होगा वो भी चेक कीजिए, यहाँ पे माइनस भी नहीं है। अभी क्या लिखना होगा, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल फेलू ब्रांच ऑफ कोट इनवर्स इच 0 to π, एंड क्या होगा यहाँ पे, एंड जो पाई बाय सिक्स है ये इसके अंदर ही है, तो देयरफॉर क्या होगा द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स √3 इज पाई बाय सिक्स मतलब 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, कोसेक इनवर्स -1/√2, इनका क्या करना होगा प्रिंसिपल वैल्यू निकलना होगा, तो ध्यान से चेक कीजिए क्या करना होगा। पहले आपको कोस कितने डिग्री पे 1/√2 मिलता है वो आपको करना होगा, एंड कोस इनवर्स का जो रेंज है वो क्या है वो भी यार करना होगा। तो देखो, सपोज लेट एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स -1/√2, डीच इंप्लाइज ऐसे क्या होगा कोस एक्स इक्वल क्या होगा -1/√2 हो जाएगा, तो डीच इक्वल यहाँ पे और एक बार चेक करना होगा। देखो ए माइनस माइनस रख दो, अभी चेक कीजिए माइनस छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या है 1/√2, 1/√2 कोस का कब मिलता है जब कोस का वैल्यू पाई बाय 4 मतलब क्या होता है 45 डिग्री होता है, तो तब क्या होता है 1/√2 होता है, तो माइनस माइनस ये फिर रख दिया। अभी एक बात यहाँ पे देखो, जब भी आपको ऐसे कॉस माइनस थीटा, तो डी इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है, यानी ऐसे हुआ कि कॉस पाई माइनस थीटा हुआ, तो तब क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है। तो अभी देखो आपका पास जो रिजल्ट है ए वाला रिजल्ट है, तो आप क्या लिखोगी, ए वाला पार्ट लिखोगी ना ए वाला लिखोगी, ऑब्वियसली आप ए पार्ट लिखोगी, तो ए पार्ट क्या होगा कॉस पाई माइनस थीटा, थीटा के प्लस पे आप क्या पाई बाय 4 लिखोगी, तो डीच इक्वल टू क्या होगा देखो कॉस 3π/4 हो जाएगा। तो अभी क्या लिखना होगा, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 and π, एंड 3π/4 बिलोंग्स 0 and π, ये है मतलब ये जो फेलो है इसके अंदर ही है, तो क्या होगा ए भी ए आपका प्रिंसिपल फेलो हो जाएगा। डियर फोर द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल फेलो ऑफ कोस इनवर्स -1/√2 इज 3π/4, यही है। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ से, देखो यहाँ पे क्या दिया है कोसेक इनवर्स -√2, इनका क्या करना होगा प्रिंसिपल वैल्यू निकलना होगा, ये भी आपको क्या याद करना होगा कि कोसेक कितने डिग्री पे √3 मिलता है, और कोसेक का जो रेंज है ये आपको याद रखना होगा। देखो पहले आपको लिखना होगा कि लेट एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स √2, ये वाला लिख दिया, तो डीच प्लस ऐसे क्या होगा कोसेक एक्स इक्वल क्या होगा -√2, देखो ये माइनस को छोड़ दो, माइनस रहने दो, माइनस मैंने रख दिया, कोसेक
कोसेक कितने डिग्री पे रूट टू होता है? तो कोसेक 45 डिग्री पे क्या होता है? रूट टू होता है। देखो 45 मतलब पाई बाई फोर, तो अभी एक काम करना होगा क्या कि कोसेक ये वाला मैंने लिख दिया, ए माइनस एफ को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई फोर भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो क्योंकि सपोज कोसेक माइनस थीटा है तो ये का रिजल्ट क्या होगा? माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। ए एफ को यहाँ पे अप्लाई किया तो अभी जो कोसेक का रेंज है वो क्या है? कोसेक का रेंज मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप ऐसे भी लिख लोगे कि यू नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल फिलो ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स इज माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू एंड माइनस जीरो, ये है कोसेक का रेंज। अभी देखो ये जो फिलो है क्या है? माइनस पाई बाय फोर, तो ये तो जीरो नहीं है, मतलब ए नहीं होगा, तो माइनस से इससे बड़ा होगा एंड इससे छोटा होगा, तो ये इसका अंदर ही हो जाएगा, क्या होगा? माइनस पाई बाय फोर से अंदर ही होगा, तो डियर फोर द प्रिंसिपल फेलू, प्रिंसिपल फेलू ऑफ कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू इक्वल टू क्या होगा? इज माइनस फाइव बाय फोर, ए होगा कोसेक इनवर्स का प्रिंसिपल फेलू। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स है, आपको ध्यान से चेक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे क्या कर दिया? फाइंड द फेलू ऑफ टेन इनवर्स वन प्लस कोसेक इनवर्स माइनस हाफ एंड साइन इनवर्स माइनस हाफ, इनका फेलू निकलना होगा। तो ये करने से पहले आपको एक फॉर्मूला में आपको साइड से लिख रहे हो, वो क्या है? सपोज ऐसे हुआ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, तो तब क्या होगा? पाई बाय टू हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला है। देखो ए पे क्या होगा? एक्स प्लस पे क्या होगा? अगर वाई है, ए पे भी वाई है, तो तब भी क्या होगा? पाई बाय टू, मतलब एक्स प्लस से कोई भी नंबर हो, दोनों सेम होने से क्या होता है? पाई बाय टू होगा। ये पे देखो यहाँ पे क्या है? माइनस हाफ, ये पे भी माइनस हाफ, दोनों सेम ही है, मतलब इस फॉर्मूले से पूरा एग्जिस्ट हो गया, तो ये रिजल्ट क्या होगा? पाई बाय टू होगा। तो डी इक्वल टू क्या होगा? देखो टेन इनवर्स, देखो टेन कितने डिग्री पे? वन होता है, टेन 45 डिग्री पे वन होता है, ये भी लिख दिया, एंड ए क्या होगा? ये दोनों मिलके क्या होगा? पाई बाय टू हो जाएगा। तो देखो टेन एंड ए, टेन ए कैंसिल हो जाए तो क्या होगा? पाई बाय फोर हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या होगा? पाई बाय टू हो जाएगा, दोनों प्लस करने से क्या होगा? देखो यहाँ पे पाई फोर एंड यहाँ पे पाई ए, तो क्या होगा? टू एच पाई हो जाएगा, एंड डी इक्वल टू क्या होगा? थ्री पाई बाय फोर हो जाएगा, ए है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12, कोसेक इनवर्स हाफ प्लस ट्वाइस साइन इनवर्स हाफ, ये आपको फेलियर निकलना होगा, मतलब फाइंड द फेलियर ऑफ रिच। ये आपको बहुत ही इजी मैथ्स है, एकदम ही बहुत ही इजी मैथ्स है, तो ये आप कैसे करोगे? देखो कोस इनवर्स, कोस कितने डिग्री पे हाफ होता है? कोस 60 डिग्री पे आपको क्या होता है? हाफ होता है, प्लस टू है साइन इनवर्स। देखो साइन कितने डिग्री पे हाफ होता है? साइन 30 डिग्री पे हाफ होता है, मतलब पाई बाय क्या होगा? 6 होगा। तो डी सिक्वल देखो कोस एंड ए कोस इनवर्स एंड कोस कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा? पाई बाय 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? 2 एंड ए साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल, तो ये क्या होगा? पाई बाय 6 हो जाएगा, तो ये कैंसिल करने से क्या होगा? पाई बाय 3 यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या होगा? ए कैंसिल करने से यहाँ पे 3 मतलब पाई बाय क्या होगा? 3 हो जाएगा, तो डी सिक्वल क्या होगा? टू एच पाई बाय 3 हो जाएगा, ए है इनका आंसर, बहुत ही छोटा है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, देन पहला ऑप्शन ए है, सेकेंड ऑप्शन ए है, थर्ड एंड फोर्थ चार ऑप्शन है, उनका कौन सा कारक होगा वो निकलना होगा। देखो क्या करना होगा, ये करने से पहले आपको एक बात याद रखना होगा कि रेंज, साइन के रेंज क्या है? साइन के रेंज क्या क्या होता है? माइनस पाई बाय टू से एंड प्लस पाई बाय टू, ए होना चाहिए। तो मतलब देखो ए थर्ड ब्रैकेट यूज हो रहा है, मतलब क्या होगा? एक्स बिलोंग्स इट्स होना चाहिए, मतलब क्या होगा जो फेलो होगा, तो ए माइनस पाई बाय टू भी हो सकता है, हाँ, और क्या होगा? पाई बाय टू भी हो सकते हैं और इससे अंदर भी हो सकते हैं, तो तब क्या होगा? साइन इनवर्स थीटा है इक्वल टू एक्स, ए वाला होगा। तो अभी क्या होगा जो एक्स का ऐसे होगा, तो यहाँ पे क्या दिया? एक्स एक्स प्लस पे यहाँ पे वाई दिया एंड ए थीटा प्लस पे एक्स दिया, तो अभी जो रिजल्ट होगा ए आपको यही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो रेंज है थर्ड ब्रैकेट पे है, तो
ब्रैकेट मतलब क्या होगा, मे बी इक्वल भी हो सकते हैं, तो इसलिए ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 10 inverse √3 - 1 inverse - 2 इच इक्वल टू, ये कौन सा होगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा। देखो यहाँ पे क्या दिया, 10 inverse √3 और क्या है sec inverse -2, तो डीच इक्वल टू क्या होगा, देखो 10 inverse √3 काफ होगा, 10 का √3 काफ होगा, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। मतलब 10 जब को 10 का वैल्यू 60 डिग्री होता है तो तब रिजल्ट क्या होता है, √3 होता है। और ए पे क्या है माइनस माइनस sec inverse, ए माइनस मैंने यहाँ पे रख दिया, sec√2 होता है जब sec का वैल्यू 60 डिग्री होता है, ए भी आपको 60 डिग्री होता है, तो तब क्या होता है -2 होता है। तो डी सिंप्लेस लिखो, 10 inverse 10 inverse कैंसिल, तो ये क्या होगा 5/3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा देखो -1 inverse, ये आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो sec inverse π - π/3, क्यों कि देखो क्यों लिख सकते हैं, ए मैंने यहाँ पे लिख दिया, इस साइड पे लिख दिया, क्योंकि sec जब ऐसे हुआ कि sec − θ, तो डी चिल्लू क्या होता है sec θ होता है, और जब ऐसे हुआ कि sec π − θ, तो तब क्या होता है −sec θ होता है। तो आपको जो रिजल्ट दिया है पे ए वाला पार्ट दिया, तो आपको ए भी यूज करना होगा, तो थीटा के प्लस पे वहाँ पे क्या है 5/3, मतलब 5/3 बैठना होगा। तो डी देखो क्या होगा, ए वाला पार्ट है ना, ए वाला पार्ट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा 5/3 एंड ए कैंसिल, तो ए कैंसिल करने से क्या होगा 2h π/3 हो जाएगा, तो मतलब क्या होगा -π/3 हो जाएगा, यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।